आज वो जिक्र जो मुस्तनद है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, हम उनको छोड़ देते, ना उनको जानने की कोशिश करते हैं, ना उनको पढ़ने की कोशिश करते। और पता नहीं पीरो मुर्शिद के जो जिक्र रहते, अब वो भी जिक्र अल्लाह ही के रहते, मगर देखो इब्न अल कय्यम ने कितनी मीठे जुमले में हर एक को रद्द किया है, हर एक की बात को, कि वो जिक्र नफ़े वाला नहीं होगा, फ़ायदेमंद नहीं होगा, जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं होगा। आज जिक्र बता देते अल्लाह का, फिर उस पर अपनी आदत गिरफ्त कर देते, 11,111 बार पढ़ो, 777 बार पढ़ो, 999 बार पढ़ो, वो अदद और वैसा जिक्र बता दे जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है। तो ऐसे जिक्र से भी हमें बचना चाहिए। अगर हमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए जिक्र हमसे पूरे हो रहे, तो बेशक हम कोई भी जिक्र करें उसके बाद इंशाल्लाह अल्लाह ताला उसमें खैर भी डालेगा, बरकतें भी डालेगा। मगर यही जिक्र जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वो इतने हैं कि इंसान अगर उसको करने जाए तो इंशाल्लाह उसका पूरा दिन और पूरी रात गुजर जाएगी। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो मर्द और वो औरतों की तारीफ़ की है जो अल्लाह ताला को कसरत से याद करते हैं। वद्दाकिरीन अल्लाह कसीर वद्दाकिरात, और अल्लाह को कसरत से याद करने का मफहूम क्या है, पहले तो ये समझे कि अल्लाह को याद करना क्या है। इंशाल्लाह ये पूरी सीरीज़ में हम ये भी देखेंगे कि अल्लाह को याद, अल्लाह का जिक्र क्या है। कि बाज़ लोग समझते हैं नमाज अल्लाह का जिक्र है, बाज़ लोग समझते हैं तस्बीह जो करते हैं वो अल्लाह का जिक्र है, हालांकि जिक्र के बहुत सारे मफहूम हैं। अब अल्लाह ताला ने उन मर्द और औरतों की तारीफ़ की है जो अल्लाह ताला को कसरत से याद करते, जो अल्लाह ताला का कसरत से जिक्र करते हैं। सहाबी रसूल हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन इस आयत की तशरीह में फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ पर उन मर्द और औरतों की तारीफ़ की है जो अल्लाह ताला को याद करते हैं। सबसे पहली चीज़ उन्होंने जो बताई वो है नमाज के बाद। दूसरी चीज़ जो उन्होंने यहाँ पर बताई वो बताई कि अल्लाह ताला ने उनकी तारीफ़ की है जो अल्लाह ताला को याद करते हैं सुबह और शाम। तीसरा उन्होंने फरमाया कि अल्लाह ताला ने उनकी तारीफ़ की है जो अल्लाह ताला को याद करते हैं बिस्तर पर जाने से पहले और उठने के बाद। और चौथी चीज़ हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उनकी तारीफ़ की है, ये वो लोग हैं जो अल्लाह ताला को याद करते हैं घर से बाहर जाते वक्त और घर में आते वक्त। तो जहाँ हमारी बात जो आयत पर चालू हुई थी कि अल्लाह ताला ने वो मर्द और औरतों की तारीफ़ की है जो अल्लाह ताला को कसरत से याद करते हैं, तो उसकी तशरी में बताया कि वो कौन लोग हैं, तो हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला कहते हैं कि ये चार सिफ़तें वाले लोग हैं। सबसे पहले तो वो फरमाते हैं कि जो अल्लाह ताला को याद करते हैं नमाज के बाद। अब देखो यहाँ दो तबके, सबसे पहले तो ये है कि एक वो तबका है जो नमाज़ पढ़ता ही नहीं। अब जब नमाज ही नहीं पढ़ता तो उसके बाद का जिक्र वो क्या करेगा, और नमाज के बाद का जिक्र क्या है ये हम इस सीरीज़ में भी इंशाल्लाह देखेंगे आगे। और दूसरा वो तबका है जो नमाज तो पढ़ता है लेकिन बाद का जिक्र नहीं करता, औरत है तो मुसल्ला उठा लेती है और मर्द है तो मस्जिद से बाहर निकल जाता है। तो क्या है वो जिक्र, वो भी इंशाल्लाह देखेंगे। कि सबसे पहली शर्त तो ये कि नमाज़ पढ़ने वाला रहेगा वो, जब वो नमाज़ पढ़ेगा तभी तो अल्लाह उसकी तारीफ़ कर रहा है, और वो तारीफ़ में क्या है कि जो नमाज़ के बाद अल्लाह ताला का जिक्र करते हैं। दूसरी उनकी जो है कैरेक्टरिस्टिक ये बताई जा रही है कि सुबह व शाम वो अल्लाह ताला को याद करते हैं, यानी जो सुबह के अस्कार है, जो शाम के अस्कार है, और जो भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुस्तनद हवालों से जो अस्कार हमें मिलते हैं इंशाल्लाह वो भी हम इस सीरीज़ में ज़रूर देखेंगे। इसके बाद हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि बिस्तर पर जाते वक्त और उठते वक्त, यानी सोने से पहले भी अल्लाह ताला का जो जिक्र करता है, अस्कार करता है, फिर सोता है, फिर सुबह उठता है, फिर अल्लाह का जिक्र करके जो है बिस्तर छोड़ देता है, ऐसे लोगों की अल्लाह ने तारीफ़ की, क्योंकि ये बिस्तर पर जाते वक्त और बिस्तर से उठते वक्त भी अल्लाह को याद कर रहे हैं कसरत से। यानी देखो ना, सुबह भी याद कर रहा है, शाम में भी याद कर रहा है, नमाज के बाद भी याद कर रहा है, बिस्तर पर जाते वक्त भी याद कर रहा है, बिस्तर से उठते वक्त भी याद कर रहा है, और फिर बताया कि घर में आते और जाते वक्त, घर से जा रहा है तो भी अल्लाह को याद कर रहा है, घर में आ रहा है तो भी अल्लाह को याद कर रहा है। ये सब हवाले, यानी बिस्तर पर जाने से पहले के क्या जिक्र है, यानी सोने से पहले के क्या जिक्र है वो भी हम देखेंगे, सोकर उठने के क्या जिक्र है वो भी हम देखेंगे, उससे मुराद क्या है, घर में आते और जाते वक्त इसके क्या जिक्र है ये भी इंशाल्लाह इस सीरीज़ में देखेंगे। तो अब आपको समझ में आया कि अल्लाह ताला जिनकी तारीफ़ कर रहा है वद्दाकिरीन अल्लाह कसीर वद्दाकिरात, तो इसके हवाले में सहाबी रसूल ने क्या पेश किया, ये चार बातें पेश की। चुनांचे अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इंशाल्लाह ये हम सब कवर भी करेंगे। अब मैं आपको एक कॉल बता रहा हूँ, इंशाल्लाह पहले मैं लिख लेता हूँ
फिर आपको समझाता हूँ। एक बात मैंने आपको सहाबी रसूल की बता दी, अब इब्ने अल कय्यिम नाम तो आपने सुना होगा रहमतुल्लाह अलैह, ये उनका लकब था, उनका असल नाम हज़रत शम्सुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह था, जो 700-750 हिजरी में जो है गुजरे, और अपने वक्त के बहुत बड़े फ़कीह थे, लोगों ने इनसे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया, ये फ़िका में तो महारत रखते ही थे, साथ में साथ वाज़ो नसीहत भी करते थे, लोगों की इसलाह भी करते थे, लोगों की तरबियत भी करते थे, हर चीज़ ये करते थे। और इन्होंने देखो कितनी प्यारी जुमले में हर चीज़ जो गलत हो रही थी उसका रद्द कराया। सबसे पहले तो उन्होंने बताया कि सबसे बेहतरीन जिक्र और सबसे नफ़ा देने वाला जिक्र वही है, उसकी तीन शर्तें लगा दी। यानी एक इंसान जिक्र कर रहा है, अब जिक्र तो अल्लाह ही का हो रहा है, मगर वो सबसे बेहतरीन कब बनेगा और वो सबसे ज़्यादा नफ़ा देने वाला कब बनेगा, जब ये तीन शर्तें उसमें पाई जाएगी। देखो, और इसमें बहुत सोचने वाली बात है। सबसे पहले वो कह रहे हैं कि वो जिक्र जो इंसान कर रहा है वो अपनी ज़ुबान और दिल से करे। जिक्र कैसा करना है? अपनी ज़बान से, यानी ज़बान उस जिक्र से तर हो रही है, ज़बान को मज़े आ रही है अल्लाह का जिक्र करने। और दूसरी बात वो बता रहे हैं कि अपने दिल से करे, यानी दिल भी उसकी गवाही दे रहा है, दिल को भी उसका लुत्फ मिल रहा है, उसका एहसास मिल रहा है, उसकी अज़मत दिल अपने ऊपर ले रहा है उस जिक्र की। तो ये जिक्र क्या हो जाएगा? ये सबसे बेहतरीन जिक्र होगा और सबसे नफ़ा देने वाला जिक्र होगा। उसी में उन्होंने शर्त लगाई जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हो। आज उम्मत को ये बात समझने की अल्लाह ताला तौफीक दे, मुझे भी दे, हम सबको भी दे। आज वो जिक्र जो मुस्तनद है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, हम उनको छोड़ देते, ना उनको जानने की कोशिश करते, ना उनको पढ़ने की कोशिश करते, और पता नहीं पीरो मुर्शिद के जो जिक्र रहते, अब वो भी जिक्र अल्लाह ही के रहते। मगर देखो इब्न अल कय्यिम ने कितनी मीठे जुमले में हर एक को रद्द किया है, हर एक की बात को, कि वो जिक्र नफ़े वाला नहीं होगा, फ़ायदेमंद नहीं होगा, जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं होगा। आज जिक्र बता देते अल्लाह का, फिर उस पर अपनी आदत गिरफ्त कर देते, 11,111 बार पढ़ो, 777 बार पढ़ो, 999 बार पढ़ो, वो आदत और वैसा जिक्र बता दे जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है। तो ऐसे जिक्र से भी हमें बचना चाहिए। अगर हमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए जिक्र हमसे पूरे हो रहे हैं, तो बेशक हम कोई भी जिक्र करें उसके बाद इंशाल्लाह अल्लाह ताला उसमें खैर भी डालेगा, बरकतें भी डालेगा। मगर यही जिक्र जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वो इतने हैं कि इंसान अगर उसको करने जाए तो इंशाल्लाह उसका पूरा दिन और पूरी रात गुजर जाएगी। अब इसको, इन जिक्र को जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऑथेंटिक जिक्र है, पता ये चल रहा है कि इब्न अल कय्यिम के ज़माने में भी ये खुराफातें आम हो रही थी, कि लोग अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र को छोड़ के अलग ही, अब जिक्र अल्लाह ही का हो रहा है, मगर वो तरीका और वो जो जिक्र हो, जो तस्बीह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है, ना उसकी आदत साबित है, ना वो कलमात साबित है। तो पहले हमें चाहिए कि हम वो जिक्र करें जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हो। तीसरी उन्होंने बहुत ही नुक्ते वाली बात कही कि जो जिक्र वो कर रहा है उसका माना और मकसद उसको पता हो। अब जिक्र के एक कैटेगरी है दुआ, एक दुआ तो एक वो होती है जब हमारी हाजतें मांगते हैं, और एक वो दुआ होती है जो वक्त की मुतायन दुआ होती है, जैसा बैतुल खला में जाने की दुआ है, बैतुल खला से बाहर निकलने की दुआ है, घर में दाखिल होने की दुआ है, घर से बाहर निकलने की दुआ है, ये सब भी क्या है? अल्लाह ताला के जिक्र है। तो एक मिसाल जैसा, अब ये जिक्र का माना और मकसद पता हो। आज हमें माना भी नहीं पता होता है और मकसद भी नहीं पता हो। जिनको माना पता होता है शायद ही उनको मकसद पता होगा, और बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे जिनको माना और मकसद पता हो। अब मैं घर से बाहर निकल रहा हूँ, मैं बचपन से मेरे माँ बाप ने सिखाया बिस्मिल्लाह तवक्कल तो अल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ के निकलो। अब मुझे गौर व फिक्र करना चाहिए कि मुझे इसका माना पता है। अच्छा, माना पता हो गया, अब मकसद पता है मैं क्यों पढ़ रहा हूँ घर से बाहर जाते वक्त ये दुआ? तो उसको सोचना चाहिए, उस माने पे जब वो गौर करेगा तो माना उसका मकसद बन जाएगा कि वो अल्लाह का नाम लेकर घर से बाहर निकल रहा है। अब अल्लाह का नाम लेकर घर से बाहर निकल रहा है तो कोई चीज़ उसको तकलीफ पहुँचा सकती है? तवक्कल तो अल्लाह, कि अल्लाह पर भरोसा जो कर रहा है वो करके वो अल्लाह पर भरोसा करते हुए बाहर निकल रहा है। यानी अब ये जो बाहर जाएगा तो ये बाहर जाने में अल्लाह पर तवक्कुल कर रहा है, और जिन अफराद को ये घर में छोड़ के जा रहा है या घर छोड़ के जा रहा है, ये इसने किसके भरोसे छोड़ के गया? अल्लाह के भरोसे छोड़ के गया। तो अब जब ये दुआ पढ़ोगे आप, और ये माना और मकसद के साथ पढ़ोगे कि इसकी हैबत आपको महसूस हो, इसकी जो है अजमत आपको महसूस होगी आपके दिल पर, बिस्मिल्लाह तवक्कल तो अल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह,
ऐसी हर दुआ का माना मफहूम जब हम पढ़ेंगे तो जब माने पे गौर व फिक्र पड़ेगी तो वो मकसद बन जाएगा, और यही जिक्र असल में हमें फ़ायदा देगा। कितनी प्यारी बात कही और कितने अच्छे अंदाज में उन्होंने दूसरी चीज़ों का रद्द किया कि वही जिक्र, ये दो नंबर पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूँ ये उन सबसे अहम पॉइंट है कि हम अब तो हमारे हाल है हम जिक्र वगैरह नहीं करते, लेकिन हम इंशाल्लाह कोशिश अहम करें, मैं भी कोशिश इरादा करता हूँ कि हम जो अल्लाह ताला का जिक्र करेंगे वैसा ही जिक्र करेंगे जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब से साबित होगा, क्योंकि अल्लाह के नबी के असहाब से साबित है मतलब कहीं ना कहीं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट चैन अल्लाह के नबी ही से है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मेरा भी आपसे यही गुजारिश है जो यहाँ पर बैठे इसको लिख ले और जो ऑनलाइन देखेंगे इंशाल्लाह, तो मैं कभी कहता नहीं कि वीडियो को शेयर करो या कुछ करो, मगर ये ऐसी चीज़ है कि इंशाल्लाह अगर आपका अमल नहीं भी हो रहा, आपने शेयर कर दिया, जो देख रहा है उसको कोई बात पसंद आई वो उस पर अमल करने वाला बन गया, तो जितनी हयाती तक वो अमल करता रहेगा उसका सवाब आपके जिम्मे लगा दिया जाएगा, आपको मिलता रहेगा। तो जितना हो सके इसे शेयर करें और इंशाल्लाह आगे भी ऐसे लेक्चर्स होंगे, वक्त मसरूफियत ज़्यादा है थोड़ी, अल्लाह ताला सबकी मसरूफियतों को आसान करे, आफियत के साथ जो है सबका वक्त गुजारे, खैर और बरकत के काम में गुजारे। इंशाल्लाह जब भी मौका मिला हम दूसरी क्लास अरेंज करेंगे, उसका अनाउंसमेंट भी इंशाल्लाह हो जाएगा।